नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। नोटबंदी के मुद्दे को लेकर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस फैसले के जरिए देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया है और देश की अर्थव्यवस्था को हिरोशिमा नागासाकी में बदल दिया है। हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर हैं जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के बम हमलों में तबाह हो गए थे। पीएम मोदी के बारे में ये सब शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया। इस संपादकीय में लिखा गया कि ऐसा लगता है कि मोदी आजकल किसी की सुनने के मूड में नहीं है। मंत्री परिषद में गूंगे बहरे तोते बिठा दिए गए हैं और इसी तरह का RBI गवर्नर नियुक्त कर लिया गया है। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को उसकी जड़ों से हिला दिया है। भाजपा की गठबंधन सहयोगी शिवसेना ने सामना में ये भी लिखा कि यहाँ तक SOCHM ने भी कहा है कि नोटबंदी के बाद 40 लाख नौकरियां जा चुकी हैं और भविष्य में ये संख्या और बढ़ेगी। इसका अर्थ ये है कि नोटबंदी का परमाणु बम गिराकर मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिरोशिमा और नागासाकी में बदल दिया है। हम देश के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। शिवसेना ने कहा कि विवादों से घिरे शराब व्यापारी विजय माल्या पर बैंकों की कथित तौर पर करोड़ों रुपए की देनदारी है, लेकिन उन्होंने जिला सहकारी बैंकों के ऋण कभी नहीं चुकाए। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।